सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi HyperOS एलिजिबल डिवाइसेस लिस्ट के बारे में, जो कि हमें Q1 2024 में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो HyperOS सपोर्टेड डिवाइस लिस्ट, कम्प्लीटली लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, जो की मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक और कैटेगरी जिसमें एक्सपेक्टेड अपडेट टाइम भी दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं Xiaomi 11, 11 Pro एंड 11 Ultra डिवाइसेस के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके अलावा Xiaomi 11T, 11T Pro डिवाइसेस में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके अलावा यहाँ पे Xiaomi का Mi 11X, Mi 11X Pro एंड फाइनली Mi 11i डिवाइस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट बात भी शेयर कर देता हूँ। अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि आपको HyperOS अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। Q2 का आप लोगों को यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। Q2 में आप लोगों को Xiaomi का HyperOS अपडेट देखने को मिल सकता है। ये Q1 का लिस्ट है, Q2 का भी लिस्ट आएगा, देन उसमें आप लोगों का डिवाइस शामिल हो सकता है। तो अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपको HyperOS अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी दोस्तों ये जो अपडेट लिस्ट है ना, इंडिया के अंदर एंड ग्लोबली दोनों की ही लिस्ट है, तो यहाँ पर आप लोगों को ग्लोबल डिवाइसेस भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो Xiaomi का 11i, 11i HyperCharge एंड 11 Lite डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके अलावा Xiaomi 12 एंड 12 Pro में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में अपडेट देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा Xiaomi 12T एंड 12T Pro डिवाइस के लिए भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे Xiaomi का 12S, 12S Pro, 12S Ultra एंड फाइनली 12 Lite डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट हमें देखने को मिलेंगे। देन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Xiaomi का 13, Xiaomi 13 Pro एंड फाइनली Xiaomi 13 Ultra डिवाइसेस में भी जनवरी 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि हमें इसी मंथ जनवरी 2024 के मंथ में इन तीनों डिवाइसेस में HyperOS का अपडेट ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। देन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Xiaomi 13T एंड 13T Pro डिवाइसेस में भी जनवरी 2024 के मंथ में HyperOS का अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, इसी महीने। देन इसके बाद यहाँ पे Xiaomi 14 सीरीज में प्री इंस्टॉल्ड HyperOS अपडेट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। Xiaomi Mix Fold, Mix Fold 2 एंड Mix Fold 3 डिवाइसेस के लिए भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Xiaomi का CB1S, CB2, CB3 डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके अलावा यहाँ पे Xiaomi का Pad 6 एंड Pad 6 Pro डिवाइसेस में जनवरी 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट देखने को मिलेगा, यानी कि इसी महीने देखने को मिल जाएगा। देन इसके अलावा यहाँ पे Xiaomi का Pad 5, Pad 5 Pro 5G, Pad 5 Pro Wi-Fi वेरिएंट, इन तीनों डिवाइसेस में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Redmi K40 सीरीज़ में Redmi K40, K40S, K40 Pro, K40 Pro Plus एंड फाइनली K40 गेमिंग एडिशन में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में यहाँ पे HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों Redmi K50, K50i, K50i Pro, K50 Ultra, K50 गेमिंग, K50 Pro डिवाइसेस में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट देखने को मिल जाएगा। देन इसके अलावा Redmi K60, K60e, K60 Pro एंड फाइनली K60 Ultra डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों Redmi 11 Prime डिवाइस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके अलावा Redmi 12, Redmi 12 5G एंड फाइनली Redmi 12C डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro 5G डिवाइसेस में स्लिम चांस है कि ये अपडेट देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro Plus, 11 4G, 11T, 11 Pro 5G, 11 Pro Plus 5G, 11e, 11s 5G, 11SE, 11T Pro, 11T Pro Plus एंड फाइनली 11R डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके अलावा Redmi Note 12 एंड 12S डिवाइसेस में जनवरी 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट हमें देखने को मिल जाएंगे। देन इसके अलावा Redmi के Note 12 सीरीज़ में Redmi Note 12 Pro Plus, Redmi Note 12 Pro Explorer, Redmi Note 12 Pro Speed Edition, Redmi Note 12 Pro 4G, 12S, 12 Turbo, 12R, 12R Pro एंड फाइनली 12 5G डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट देखने को मिल जाएगा। देन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 13 5G, 13 Pro एंड 13 Pro Plus डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा Redmi Pad एंड Pad SE में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Poco C51, C55 डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके अलावा Poco X4 5G, X4 GT, X4 Pro 5G डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Poco X5, X5 Pro, X6, X6 Pro इन सारे डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Poco F4, F4 GT इन दोनों डिवाइसेस में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके अलावा Poco F5 एंड F5 Pro डिवाइसेस में जनवरी 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट देखने को मिलेगा, यानी कि हमें इसी महीने जनवरी 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट देखने को मिल जाएंगे Poco F5 एंड F5 Pro डिवाइस में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Poco M4, M4 Pro 4G, M4 Pro 5G डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा Poco M5, M5S एंड फाइनली Poco M6 Pro 5G डिवाइसेस में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के मंथ में HyperOS अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पे इन सारे डिवाइसेस में HyperOS अपडेट देखने को मिल जाएंगे और ये जितने भी डिवाइसेस मैंने आप लोगों को बताया ना, ये सारे डिवाइसेस एलिजिबल है HyperOS अपडेट के लिए। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो आप यहाँ पे कौन सा डिवाइस को यूज कर रहे हो और आपके डिवाइस में यहाँ पे कौन सा लेटेस्ट वर्जन अभी रन कर रहा है, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो यहाँ पर एक लाइक जरूर करें। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लेना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।